तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSC अपडेट। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जनवरी मंथ का जो है आप लोग मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए यह वीडियो, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए देखिए यहाँ पे ले आएगा क्लास 11th का मंथली एग्जामिनेशन जनवरी 2024 केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। जो आप लोग को जिस 22 तारीख को जो आप लोग को एग्जाम होगा केमिस्ट्री का, उसमें जो आप लोग को देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसका सब्जेक्टिव का मैं सोल्यूशन दूंगा, तो वीडियो को पहले अंत तक देखना है। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, वीडियो देख लेने के बाद चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है आप लोग का, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख सकते क्लास 11th वाले। और PDF लेने के लिए आप लोग को मैं बताऊँगा वीडियो के बीच में, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए। और आप लोग को PDF और एक कहाँ से लेना है, तो वो व्हाट्सअप ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिए बोला गया है कि इनमें से किसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए मान लीजिएगा 36 ग्राम जल, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि क्रोमियम का ऑर्बिटल विन्यास 3D5 4S, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जो भी है। यहाँ पे बोला Cr+3 गैस में बगैर जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बताएं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर में परमाणु आकार का सही क्रम किस प्रकार है, ठीक है ना। तो किस प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, आंसर को नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधनों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वह है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर आप लोग सी हो जाएगा, 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला कि आदर्श गैस समीकरण को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आदर्श जो आप लोग का आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो PV = nRT होता है, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि CrO5 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या, यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण यहाँ पे संख्या पूछा गया है। तो इसमें देखिए आप लोग को इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये है निम्नलिखित समीकरण में जो साम्य अवस्था में उसका आयतन स्तर, यदि इसमें से एक निष्क्रिय गैस को मिला दे, तो यहाँ पर बोला गया है 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, तब साम्य किस ओर विस्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्रसर, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित ब्रोंस्टेड अम्लों में से किसका कंजुगेट भस्म सबसे कमजोर होगा, ठीक है ना। कमजोर सबसे कौन सा भस्म सबसे कमजोर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HCl, ठीक है, HCl। उसके बाद देखिए 9 नंबर पूछा गया है कि किसी वस्तु 1 ग्राम तापक्रम 1K बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए, ठीक है। आवश्यक ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से भिन्न होता है, ठीक है, वो किस लिए भिन्न होता है। ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन से भौतिक गुणों में भिन्न होता है, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन नंबर बी मार दिया। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आप लोग को 3 किसका है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे किसका होगा, O2 का होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया है आप लोग को कि ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण सॉरी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे N2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है पृथक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग को। वीडियो को अंतर देखिएगा आप लोग को, मैं बताऊँगा कैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव का PDF लेना है, ठीक है ना। तो उसके बाद बोला कि N = 2 के लिए L का मान होगा, ठीक है। तो N = 2 के लिए L का मान क्या होगा यहाँ पे, तो N = 2 के लिए L का मान यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का यहाँ पे देखिए एल्कीन्स का होगा CnH2n, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए 17 नंबर पूछा गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कार्य करता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 की तरह अम्ल अपचायक ऑक्सीकारक 3, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ठीक है ना, यही पूछा गया आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया 19 नंबर में कि शुष्क ड्राई आइस हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ड्राई आइस किसको बोलेंगे हम लोग, तो ड्राई आइस जो बोलते हैं वो आप लोग को ठोस CO2 को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया जल का pH मान होता है, तो जल का आप लोग का pH मान क्या होता है,
ठीक है ना। तो जल का पीएच मान क्या होता है, तो जल का पीएच मान आप लोगों का 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि पी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल की संख्या होती है, तो पी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 का ऑप्शन आप लोग सी मान लीजिएगा, 3। उसके बाद बोला गया ऑर्गन के विन्यास को प्रदर्शित करता है, ऑर्गन जो आप लोग को होता है जो नोबल गैस में आता है उसका विन्यास क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा उसका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, NH2 NP4, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि अनुचुंबकीय कौन है, यानी कि पैरा मैग्नेटिक कौन है, तो यहाँ पे O2 ऑप्शन हो जाएगा, और 22-23 का ए नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, 24 से पूछा गया ग्रीन हाउस गैस किसको हम लोग नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में आप लोग को ऑक्सीजन तो नहीं आएगा ना, हाँ ऑक्सीजन तो आप लोग का नहीं होता है ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है S8 में X का ऑक्सीकरण संख्या होगा, ठीक है, S8 में S का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं माना है, ठीक है, 0 माना है आप लोग को, और 25 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया क्षारीय केमेनोफोर, यानी कि आप लोग को जो है एल्कलाइन केमेनोफोर जो है इथिलीन को परिवर्तित करता है, इथिलीन को एथाइलिन को किस में परिवर्तित करता है, यही पूछा गया है। 26 का आप लोग का डी लिखेगा, एथाइलिन ग्लाइकोल में, ठीक है। उसके बाद बोला गया H2O2 की संरचना है, H2O2 का आप लोग का स्ट्रक्चर बताना है, तो कैसे होगा, रेखीय हो जाएगा, ठीक है, रेखीय। उसके बाद बोला गया है लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करता है, डायगोनल यहाँ पे रिलेशनशिप किसके साथ होता है, लिथियम का, ठीक है ना। यहाँ पे 28 नंबर पूछा गया, ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि आप लोग का 2 क्वेश्चन लास्ट का बचा है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। बोला गया कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि दोनों का है, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। भारी जल है, भारी जल किसको कहेंगे, लिटवो को, 30 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए गाइस इतना ही ऑब्जेक्टिव आप लोग का था जो इस बार जनवरी में पूछा गया है, ठीक है। और आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप बताते हैं आप लोग को PDF कैसे प्राप्त करना है, तो PDF के लिए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आइए क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है दोस्त। हाँ, तो क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। देखिए यहाँ पे सर्च कर दीजिए स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अभी जो जनवरी एग्जाम होगा मासिक परीक्षा 11th का, उसका यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आके सिंपली आप लोग को यहाँ इसी वाले सेक्शन पे चल जाइएगा, तो आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी मैथ सब का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा एग्ज़ाम से थोड़ा देर पहले, ठीक है। यहाँ पे क्लास 11th पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोग को नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री 22 जनवरी क्वेश्चन आंसर 2024 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।